आईपीएल 2022 में सभी टीमें अपने आधे मैच खेल चुकी हैं। नई टीमों ने जहां सीजन बेहतर प्रदर्शन दिखाया है, तो वहीं पांच बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस का अब तक का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। मुंबई इंडियंस 7 मैच खेलने के बाद भी अपनी लय में वापस नहीं लौट पाई है और खराब बॉलिंग के साथ टीम के दो सबसे अहम बल्लेबाज यानी कि कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन का बल्ला खामोश रहा है। ईशान किशन ने जहां अब तक खेले 7 मैचों में 191 रन बनाए हैं, तो वहीं रोहित शर्मा के बल्ले से भी इतने ही मैचों में सिर्फ 114 रन ही निकले हैं। मुंबई इंडियंस के दोनों ओपनर बल्लेबाजों की इस खराब फॉर्म को लेकर के मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महिला जयवर्धने ने एक बड़ा बयान दिया है। महिला जयवर्धने का मानना है कि ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ईशान किशन ने पहले कुछ खेलों में सच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन बाद के मैचों में उनके खेल में गिरावट आई है और कुछ ऐसा ही हाल रोहित शर्मा का भी रहा है। वो गेंद को अच्छे तरीके से हिट कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा अपने शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। जयवर्धने ने यह भी कहा कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तब आप जल्दी आउट हो जाते हैं और आपको लगता है कि कुछ भी आपके मुताबिक नहीं हो रहा है। महिला जयवर्धने ने यह भी कहा कि मैं भी एक बल्लेबाज रहा हूं और ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है, लेकिन मुझे चिंता तब होगी जब वे गेंद को अच्छी तरह से हिट नहीं कर रहे हों या उनमें वो आत्मविश्वास नहीं नजर आ रहा हो। लेकिन रोहित और ईशान किशन दोनों ही नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में मेरा मानना यह है कि हमें बस इन बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्हें क्या करने की जरूरत है। मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद।